हमेशा ऐसे खुश रहो, हार मत मानना। जितनी मर्जी बड़ी आपदा आ जाए, जितना मर्जी बड़ा दुख आ जाए देश के अंदर, कभी रोना नहीं है, उदास नहीं होना, खुश रहना हमेशा। कैसे? खुश रहना है। चल लव यू छोटे भाई, गलत काम कभी नहीं और ना किसी को करते देखो उसको समझाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सनी आर्य। तो दोस्तों अभी आपका भाई सीपी में है और यहाँ पे मैं काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ, एक भाई काफी देर से मेहनत कर रहा है, जूते पॉलिश करता है, कम से कम 30 से 40 लोगों को रोक चुका है लेकिन कोई जूते पॉलिश नहीं करवा रहा। और मतलब मेरे को बड़ा दुख सा हुआ इस बात को देखकर कि मतलब काफ़ी बंदों को उसने रोक लिया लेकिन अभी तक किसी ने पॉलिश नहीं करवाया। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब एक बच्चे से या किसी बड़े से आप सामान परचेज नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा? उसके पास लास्ट ऑप्शन क्या है? उसके पास लास्ट ऑप्शन है भीख मांगना। हालत खराब हो जाएंगी, घर नहीं चल पाएगा, पैसे नहीं कमा पाएगा। सबसे बड़ा कारण होता है बेरोजगारी, पैसे होते नहीं है और मेहनत करके हार मान जाते हैं। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि जो मैं भाई देख रहा हूँ इसकी मदद करूंगा मैं, इनसे कुछ भी मतलब जूता पॉलिश नहीं भी कराना तब भी मैं इनसे बात कर लिया करो, इनको तसल्ली दे दिया करो, इनको खुश कर दिया करो कि कभी हार नहीं माननी, मेहनत करनी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अब इस छोटे भाई से बात करेंगे। तो पॉलिश के 20 रुपये। तो कितने टाइम से यहाँ पे सीपी में काम कर रहे हो? 12 साल हो गए। मतलब आजकल कमाई बिल्कुल नहीं है? समझ गया। तो परिवार कहाँ रहता है आपका? यही रहती है मम्मी। मम्मी ये रहती है साथ में। मम्मी को कमा खिला के तुम ही देते हो? वो रेंट पे रहते हो कहीं पर? अच्छा कहाँ पे? द्वारका। द्वारका से आते हो? तो आज कितने पूरे दिन में कितने का काम किया आपने? 300। 300 रुपये कमाए हैं। उसके बाद जो भाड़ा लगेगा, खाना पीना सब इसी के अंदर है? नहीं, जैसे जो अगर 300 रुपये भी कमाते हो तो खाना पीना अगर ये शाम तक हुआ तो इसी में करोगे? मतलब महीने का मैं हिसाब लेके चलूँ 5-6 हज़ार रुपये कमा लेते हो? तो ये सामान कहाँ से लाते हो? ये वहीं मिलता है, दुकान है वहीं पे। अच्छा, एक छोटी सी बात दिल की बोलूँ आपको मैं, पढ़ाई क्यों नहीं करी आपने? तीसरी क्लास तक। उसके आगे क्यों नहीं करी आपने? कारण? कोई कमाने वाला नहीं है, पापा ये नहीं। अच्छा, तो फिर भी मन नहीं करता कभी कभी कि मतलब पढ़ाई वढ़ाई करके थोड़ा बड़ा आदमी बनूंगा मैं? कस्टमर जैसे कि कम से कम सुबह कितने बजे आते हैं यहाँ पर? 7 बजे। और जाते कितने बजे हो? 7-8 बजे। अच्छा, तो जाके पैसे सारे मम्मी को देते हो? बहुत बढ़िया, ये अच्छा लगा मेरे को, माँ को देने चाहिए सारे पैसे। क्या क्या काम कर लेते हो? सिलाई पॉलिश। किसने सिखाया था आपको ये काम? अपने आप सीख गए उनको देख देख कर। तो इस काम में कितना समय हो गया आपको? 12 साल। तो 12 साल से सीपी में ही हो? कुछ खाना खाओगे? पेट भरा हुआ है। क्या खाया था? राजमा चावल। इसके जो वो पीछे जैन चावल वाला है तो 12 खंबा। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, कभी गंदे नशे मत करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और हाथ नहीं लगाया। जानते भी नहीं क्या होता है। अच्छा, जानते भी नहीं क्या होता है, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। जो आसपास की संगति होती है ना वो खराब कर देती है। बहुत घूम रहे हैं। राइट। अच्छा, एक रिक्वेस्ट हो रहा है मेरे से, वादा करो ये काम करोगे मेरा, जो भी तुम्हें कोई बच्चा देखे भीख मांगता हुआ उसको भीख मत मांगने दे। उसकी जिंदगी नहीं तो खराब हो जाएगी, उसको बोलना या तो सामान बेच के पैसे कमाए वो या मेहनत करके पैसे कमाए। भीख मत मांगने देना किसी बच्चे को। मैं तो जितने मेरे को बच्चे मिलते सबको टोकता हूँ मैं, आप खाली इतना कर लेना मेरे लिए, मैं आपका जिंदगी भर ये एहसान नहीं बोलूंगा कि छोटे भाई ने मेरी बात मानी। टोकना जरूर उस बच्चे को कि बेटा पढ़ाई कर ले या कोई सामान बेच ले या पॉलिश कर ले, भीख के लिए मना कर देना साहब। मानोगे वाली बात? प्रॉमिस? पक्का? वेरी गुड। तो अभी खाना वाना खा रखा आपने है? क्या उम्र कितनी आपकी? 17 साल की हो?
मेरे जूते पे क्या करोगे? जूते पे तो मेरे कुछ होगा ही नहीं। वॉश करते हैं। क्या वॉश करोगे? वैसे बता दो दूर से ही। साफ हो जाता है ना। मेरा मन नहीं करता ना किसी को, मतलब ऐसे मैं किसी को हाथ लगवाऊं जूते पे। निकाल के दे दो। हाँ निकाल के दे सकता हूँ। ये लगाओगे तो क्या पैसे लेते हो ये काम करने के? 60 रुपए लेते हो? पूरा पूरा जूता चमका दोगे? मतलब करके मानोगे आप? नहीं नहीं छोटे भाई, मैं दिल तो जगह ना हमारा। नहीं मेहनत नहीं, आपने इतना बोल दिया बहुत है। ये 500 रुपये आपके लिए गिफ्ट में है। इसको आप प्यारा तोहफा समझो अपने लिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैंने आपसे करी है, कोई बच्चा आपको देखे क्या बोलोगे? आ जाओ खड़े हो जाओ, खड़े अच्छे नहीं लग रहे, खड़े हो जाओ एक बार। आपने बोल दिया मेरा जूता चमक गया, बस आपने जो मेरे से वादा किया उसको निभाना। मैं देखो आता रहता हूँ, मैं नोटिस करूँगा, क्योंकि आपको हद मार के कितने 10 सेकंड लगेंगे बच्चे को बोलने में कि बेटा रुक, कि भीख मत मांग, या तो कमा ले बेटा या पढ़ ले। पढ़ने का सबसे पहले बोलना उस बच्चे को। मेरे से वादा कर रहे हो अभी? बोला पक्का ना? दिल से हमेशा ऐसे खुश रहो, हार मत मानना। जितनी मर्जी बड़ी आपदा आ जाए, जितना मर्जी बड़ा दुख आ जाए देश के अंदर, कभी रोना नहीं है, उदास नहीं होना, खुश रहना हमेशा। कैसे? खुश रहना। चल लव यू छोटे भाई, गलत काम कभी नहीं, और ना किसी को करते देखो उसको समझाओगे। हमेशा खुश रहो छोटे भाई, मम्मी का ध्यान रखना, उनको उदास मत होने देना कभी, मेहनत करके कमाना। ऑल द बेस्ट। वेलकम वेलकम।